खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की संपत्ति होगी कुर्क। 506 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क होगी। लखनऊ, सहारनपुर और नोएडा में संपत्तियां चिन्हित की गई है। हाजी इकबाल पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। हाजी इकबाल को भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है। ये कार्रवाई लगातार जारी है और देखिए इसी के चलते एक और बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क की जाएगी। 506 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बताई जा रही है जिस पर यह कार्रवाई होगी। कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ, सहारनपुर और नोएडा में संपत्तियां हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है प्रशासन की तरफ से और जल्द ही इन पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। हाजी इकबाल पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है और भगोड़ा भी इसे घोषित किया जा चुका है जिस पर लगातार कार्रवाई चल रही है और एक बार फिर से जो संपत्तियां हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और जल्द ही इस पर कुर्की की कार्रवाई होगी। 506 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की जिस पर जल्द ही कुर्की की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी। लखनऊ, सहारनपुर, नोएडा में संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और अनुभव इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, लगातार एक्शन जारी है हाजी इकबाल पर, एक बार फिर से प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है, कुर्की की संपत्तियों को चिन्हित किया गया है, कब से कार्रवाई शुरू होगी? देखिए बिल्कुल लखनऊ में चिन्हित हुई है, इसके अलावा अन्य जिलों में भी प्रॉपर्टी चिन्हित हुई है। 500 करोड़ से ज्यादा की ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है और लगातार हाजिर होने के निर्देश भी थे लेकिन उसके बावजूद भी जब पेशी नहीं हुई, जब हाजिर नहीं हुए उसके बाद अब ये कहा गया कि कुर्की की जाएगी। कुर्की के लिए अब आदेश भी दिया जा चुका है, माना जा रहा है कि जल्दी 2 दिन के भीतर ही ये जो कुर्की है वो कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि न्यायालय में भी आगे बताना है कि क्या किया क्योंकि आदेश मिला हुआ है न्यायालय की तरफ से। और जिस तरह से तमाम सारे मामले थे, खासतौर से जिस तरह से गड़बड़ियां थी, भ्रष्टाचार के मामले थे, उन्हीं सारे मामलों में जब जाँच हुई थी और तब ये आदेश अब दिया गया है कि कुर्की की जाए। जी ठीक है अनुभव, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हाजी इकबाल को भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है और अब ये कुर्की की कार्रवाई इसकी संपत्तियों पर होने जा रही है। 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां बताई जा रही है नोएडा, लखनऊ और सहारनपुर में जहां पर ये कार्रवाई होगी और जल्द ही 2 दिन के भीतर जो प्रशासन है जल्द ही कार्रवाई को शुरू कर सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 102वां प्रसारण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण महीने के अंतिम रविवार को होता है लेकिन इस बार ये कार्यक्रम आज ही प्रसारित होगा। इस बार महीने का अंतिम रविवार 25 जून को है लेकिन पीएम मोदी की विदेश यात्रा की वजह से ये कार्यक्रम आज होने जा रहा है। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए यूपी के रामपुर और ललितपुर से भी जुड़ेंगे। रामपुर की नगर विधानसभा और ललितपुर की जोखरा विधानसभा के लोगों से बात करेंगे। पीएम मोदी रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से भी बात करेंगे। तो क्या तैयारी है मन की बात कार्यक्रम को लेकर, किस तरीके का माहौल है रामपुर में, क्योंकि देखिए जो महिलाएं हैं वहां की मुस्लिम महिलाएं उनसे भी रूबरू होंगे। तमाम मेरे दो सहयोगी यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से अनुभव हैं और रामपुर से उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उबैदुर, खास बात यह है मन की बात कार्यक्रम का क्योंकि रामपुर की महिलाओं से, मुस्लिम महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, कितनी उत्साहित है वहां की महिलाएं और क्या तैयारियां की गई है इस खास एपिसोड के लिए? जी आयुषी, हम इस वक्त उसी हॉल में हैं जो रंगोली जहां पर कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे के स्क्रीन जो है वो लग चुकी है, चेयर सब लग चुकी हैं 11 बजे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मन की बात में यहां की मुस्लिम महिलाओं से और यहां के लोगों से बात कर सकते हैं, तो इसलिए जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब से लगभग आधा या 1 घंटे बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये रामपुर है, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता था लेकिन लोकसभा उपचुनाव में और विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीते, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि रामपुर हो या आजमगढ़, इन गढ़ों में अगर मुस्लिम बहुल इलाकों में कमल खिल सकता है तो वहाँ के लोगों से बात करनी भी ज़रूरी है क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, तो ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि प्रधानमंत्री आज हो सकता है कि यहाँ की जो मुस्लिम समाज की महिलाएँ हैं जो कार्यक्रम सुनने आएंगी मन का बात, तो उसमें उनसे बात भी कर सकते हैं डायरेक्ट और उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ जिस तरह से जरदोसी का काम होता है हैंडीक्राफ्ट का, उसके बारे में कि उस उद्योग को कितनी गति मिली नहीं मिली, या जो रामपुरी चाकू दुनिया भर में मशहूर है उसकी इंडस्ट्री जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उसके लिए सरकार ने जो काम किए हैं, तो उसके लाभार्थियों से बात कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो कार्यक्रम है उसके लिए जो भाजपा के विधायक हैं आकाश सक्सेना, वो
और जो भाजपा अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश मोर्चे के अध्यक्ष है बासित अली, दोनों को प्रभारी बनाया गया है। अब से थोड़ी देर बाद वो दोनों नेता यहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा जो रामपुर की मुस्लिम महिलाएँ हैं, लाभार्थी महिलाएँ हैं, वो यहाँ होंगी, और जो अल्पसंख्यक मोर्चे की महिलाएँ हैं वो यहाँ पर ख़ास तौर से रहेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज 102 अपना एपिसोड करेंगे मन की बात का, तो यहाँ की तस्वीरें उनके सामने स्क्रीन पर चल रही होंगी जो लोग सुन रहे होंगे, और उस दौरान वो यहाँ की महिलाओं से बात कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो तैयारियां सब पूरी हो चुकी हैं, अब इंतज़ार है कि 11 जैसे ही बजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मन की बात कार्यक्रम शुरू होगा, तो उसके बाद वो क्या बात करते हैं, किन मुद्दों को उठाते हैं, क्या बात रखते हैं, ये सुनने के लिए यहाँ पर इस हॉल में रंगोली मंडप है गांधी समाधि के पास, यहाँ पर कार्यक्रम को रखा गया है। जी आयुषी, ठीक है। तो उबैदुर ने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से तैयारियां की गई है रामपुर में इस विशेष एपिसोड को लेकर। अनुभव के पास चलते हैं। अनुभव, क्योंकि पीएम मोदी का जो ये कार्यक्रम है हमेशा अपने आप में अलग रहता है और विशेष फोकस कहीं ना कहीं टॉपिक्स पर रहते हैं प्रधानमंत्री के। इस बार रामपुर की महिलाओं को संबोधित करने वाले हैं, ललितपुर के जोखरा विधानसभा के लोगों से भी बातचीत करने वाले हैं। क्या इस बार खास रहेगा इस एपिसोड में, कौन कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिस पर माना जा रहा है प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, आज रविवार का दिन है, लोगों के लिए छुट्टी का दिन है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के लिए छुट्टी का दिन नहीं है। रविवार का दिन भले ही, पर आज बीजेपी के कार्यक्रमों की भरमार है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कर रहे हैं, जिसमें हर बूथ पर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर बूथ पर पार्टी के जो नेता हैं, पदाधिकारी, मंत्री, वो सब लोग जाकर मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। ये तो एक कार्यक्रम है ही, और उसके अलावा जो महासंपर्क अभियान चल रहा है 30 जून तक जो चलेगा, उसमें आप देखिए आज 6 जगहों पर जनसभाएं हैं, यानी पार्टी के नेता, सरकार के मंत्री वो जनसभाएं करेंगे। हर लोकसभा में 10-10 हज़ार की जनसंख्या हो, इतनी भीड़ हो, वो जनसभा होनी है, तो वो आज 6 जगहों पर है। इसके अलावा जो लाभार्थी सम्मेलन हो रहे हैं वो आज तकरीबन 23 जगहों पर है, 23 विधानसभाओं में ये लाभार्थी सम्मेलन किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो मोर्चों के सम्मेलन हो रहे हैं वो भी तकरीबन 8 विधानसभाओं में किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें तो कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला है रविवार के दिन। और आपने मन की बात कार्यक्रम की बात कही, पहले ये तय था कि महासंपर्क अभियान के ही तहत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जून को कार्यक्रम होना था, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका के दौरे पर जाना है, वहाँ वो रहेंगे, इसलिए ये अभी तीसरे रविवार को ही हो रहा है, यानी आज के दिन हो रहा है। तो इसके लिए भी तैयारी है पूरी। अगर हम यूपी की बात कर ले तो हर बूथ पर, यानी 1,74,000 बूथ हैं, और कोशिश बीजेपी की यही है कि हर बूथ पर कार्यकर्ता इसे सुने, मन की बात कार्यक्रम को सुने। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की बात करें तो कल वहाँ पर थे बुलंदशहर में, वहाँ से वापस लखनऊ आए, लखनऊ में आज कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिया मऊ पर, वहाँ पर ये मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की बात कर लें तो वो भी लखनऊ में मौजूद रहेंगे, वो कृष्णानगर में इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो हर एक जगह पार्टी के जो अन्य पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, सांसद, वो अपने अपने बूथ पर मौजूद रहेंगे। सरकार के जो मंत्री हैं, जिसका जहाँ जहाँ कार्यक्रम है, वो वहाँ पर जो नज़दीक का बूथ है वहाँ पर मन की बात कार्यक्रम को सुनेगा। तो पूरी तैयारी बीजेपी की है। और देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से ये पूरा महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है देश में, तो एक और चर्चा है कि शायद लोकसभा के चुनाव पहले होंगे, इस बार कुछ जल्दी लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो बीजेपी अपने कार्यक्रमों को लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम वो कर रही है, एक के बाद एक अभियान चलाए जा रहे हैं, और कोशिश यही है कि कैसे केंद्र सरकार की जो 9 साल की उपलब्धियाँ हैं उसे आम लोगों तक पहुँचाया जाए, ये बताया जाए कि देखिए 9 साल में हमने ये वादे किए थे, ये सारी चीज़ें हमने पूरी कर दी हैं, और आगे अगर हम आएंगे तो क्या कुछ करेंगे। तो बहुत, हम कहें तो इस अभियान के जरिए लगातार यही कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, फोकस है 2024 को लेकर। अब देखने वाली बात है कि आज कौन सा विषय रहने वाला है खास तौर पर जिस पर पीएम मोदी बातचीत करने वाले हैं। बहुत धन्यवाद अनुभव आपका भी और उबैदुर आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज पीएम मोदी रामपुर की 2000 मुस्लिम महिलाओं के साथ मन की बात करेंगे, लेकिन इसने सपा की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अगर भाजपा इस वोट में सेंध लगाती है तो सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा, जो भाजपा को सभी 80 सीट पर टक्कर देने का दम भर रही है। भाजपा की मुस्लिम मोर्चा बंदी सपा के खिलाफ सबसे बड़ी किलेबंदी। 16% मुसलमान पूरे होंगे 80 सीट जीतने के अरमान। 2024 में मिशन 80 को लेकर चल रही भाजपा अब एक एक वोट को जोड़ने में जुट गई है, और अब भाजपा मुस्लिम मोर्चे पर समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ाने वाली है, क्योंकि 18 जून को पीएम मोदी मुस्लिम महिलाओं से मन की बात करने वाले हैं।
ये कार्यक्रम उस रामपुर में होगा जो कभी समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था, लेकिन भाजपा ने ऐसी सेंधमारी की कि लोकसभा से लेकर विधानसभा सब पर कमल खिला दिया और अब पीएम मोदी के मुस्लिम महिलाओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को 24 की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे सफल बनाने का काम भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली और भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को सौंपा है। देश के करोड़ों लोग इंतजार में रहते हैं कि कब मोदी जी की बात होगी और कब हम सुनेंगे। इस बार ये बात और विशेष है क्योंकि मोदी जी रामपुर के उस क्षेत्र से जुड़ेंगे जहां समाजवादी का गढ़ कहलाता था। आज वो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत किला है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा इस बार रामपुर के रंगोली मंडप में मोदी जी के मन की बात में हजारों माएँ बहनें और मेरे भाई जुड़ेंगे, तो ये मौका और विशेष हो जाएगा। मोदी जी के मन की बात हर मन तक पहुँचे, हर जन तक पहुँचे, ऐसा हमारा प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से मन की बात करेंगे। वैसे तो मन की बात कार्यक्रम हर महीने आता है, लेकिन इस बार का कार्यक्रम इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि देश भर से जिन 14 जिलों को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है उनमें 2 जिले उत्तर प्रदेश से आते हैं, रामपुर और ललितपुर। इनमें भी रामपुर वो जिला है जिसे समाजवादी पार्टी का आजम खान का गढ़ कहा जाता था। हालांकि पिछले कुछ उपचुनाव में लोकसभा से लेकर विधानसभा तक समाजवादी पार्टी को यहां से झटका लगा और भाजपा ने वहां पर कमल खिलाया है, लेकिन पार्टी भी जानती है कि 2024 का जो चुनाव है वहां पर भी ये रामपुर की सीट इतनी आसान नहीं होगी। ऐसे में पार्टी के नेताओं का भी मानना है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम से रामपुर का जो कनेक्शन इस बार मन की बात में आएगा, कहीं ना कहीं उससे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उन्हें एक बड़ा मैसेज भी जाएगा। दरअसल भाजपा का दावा है कि सरकार की योजनाओं का जितना फायदा हिंदुओं को मिला उतना ही फायदा मुसलमानों को मिला है। अब इसी दावे के दम पर भाजपा 24 से पहले हवा बनाना चाहती है, क्योंकि अगर उसे 80 सीट पर कमल खिलाना है तो मुस्लिम वोटर को अपने पाले में लाना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 35% माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अल्पसंख्यक समाज के जो गरीब पिछड़े लोग हैं मुस्लिम लोगों को मिला है और जिसमें जिनका एक अपना सपना था गरीब लोगों का कि भाई हमारे सर पर छत हो, उनको छत उस सपने को पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुस्लिम महिलाओं के साथ मन की बात ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि मुस्लिम वोटर को सपा अपना वोट मानती है। हाईएस्ट इंडिया में 56,000 के आसपास क्राइम रजिस्टर्ड हुए, क्राइम अगेंस्ट वुमन, दैट इज हाईएस्ट इन इंडिया। आप देखिए कि जो डाउरी डेथ्स हुई हैं उत्तर प्रदेश में एज पर NCRB लास्ट ईयर वो 2,222 हुई थी, जो कि कंट्रीब्यूशन है अप्रॉक्सीमेटली 32-33% टूवर्ड्स नेशन। तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस तरह से चरमरा रही है, जिस तरह से महिलाएं असुरक्षित हैं, यहाँ पर नौजवान असुरक्षित हैं, सीनियर सिटीजन असुरक्षित हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो पुलिस वालों से मारपीट कर रहे हैं, तो हर तरह की जो सिचुएशन है वो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल धराशायी हो चुकी है पूरी तरह से। अब सबकी नजर 18 जून को होने वाली मन की बात कार्यक्रम पर टिकी है, क्योंकि भले ही पीएम मोदी का संवाद 2000 मुस्लिम महिलाओं के साथ होगा, लेकिन इसकी चर्चा दूर तलक होगी। रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, ABP कन्नौज। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के स्मारकों में शादी पार्टी बुकिंग का फैसला रद्द कर दिया गया है। स्मारक समिति बोर्ड ने अपने फैसले को रद्द कर दिया है। CM की नाराजगी के चलते समिति ने फैसला पलट दिया है। समिति ने स्मारक किराए पर उठाने का फैसला किया था, हालांकि इससे पहले भी स्मारक समिति ने इसे किराए पर उठाने की बात कही थी, लेकिन तब भी इसे रद्द कर दिया गया था। और एक बार फिर से अपने ही फैसले पर यूटर्न ले लिया है समिति ने और अपने ही फैसले को रद्द कर दिया है। स्मारक किराए पर उठाने का फैसला समिति की तरफ से किया गया था, जिस पर CM ने नाराजगी जताई थी। और अनुभव इस पर और जानकारी देंगे। अनुभव, अपने ही फैसले से समिति ने यूटर्न ले लिया है, क्या कारण बताए जा रहे हैं इसके पीछे? देखिए, तकरीबन 4 दिन पहले जो स्मारक समिति है लखनऊ राजधानी में, जो पांसी राम स्मारक है या फिर इस तरह के जो अन्य स्मारक हैं, ज्यादातर का निर्माण बसपा शासन काल में हुआ था, तो वो लोगों के घूमने के लिए है, वहाँ पर जाते हैं लोग, टिकट लगता है। पर स्मारक समिति को ये लग रहा था कि कैसे आय को बढ़ाया जाए, तो उन्होंने ये तय किया वहाँ पर शादी ब्याह कार्यक्रम कोई करा सकता, बुकिंग होगी इसकी। लेकिन उसका तमाम विरोध हुआ, पॉलिटिकल विरोध हुआ, फिर खुद मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जताई और ये कहा जा रहा है कि अब
स्मारक समिति ने यह फैसला लिया है कि कोई भी इस तरह की बुकिंग नहीं होगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब स्मारक समिति ने यह फैसला लिया था, इससे पहले भी अगर बात करें तकरीबन डेढ़ वर्ष पहले भी इस तरह का फैसला स्मारक समिति ने लिया था, तब भी यही कहा था कि हम इसको बुकिंग के लिए देंगे, ओपन करेंगे, कोई चाहे तो बुक करा सकता है। उसके उस समय भी यही हुआ था, उन्होंने अपने फैसले को पलटा था और एक बार फिर यही हुआ है, अपने फैसले को उन्होंने पलटा है और अब ये कह रहे हैं कि वहाँ पर बुकिंग नहीं होगी। जो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खुला रहता है, टिकट देकर कोई भी जा सकता है, वो व्यवस्था रहेगी, लेकिन बुकिंग का जो फैसला था कि शादी ब्याह के लिए कोई बुक करे, वो व्यवस्था नहीं रहेगी। जी ठीक है अनुभव, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डीआईजी आनंद देव तिवारी को क्लीन चिट मिल गई है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की जांच में क्लीन चिट मिली है। कानपुर के बिकरू कांड में नाम आया था, एसआईटी की सिफारिश पर उनके खिलाफ लखनऊ में तैनात जेसीपी ने जांच की थी, जिसमें मामले में उनको क्लीन चिट दी थी। इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में भी की गई। इसके बाद केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने मुख्य सचिव डीएस मिश्रा और केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के निर्देश दिए थे। तो डीआईजी आनंद देव तिवारी, जिन्हें क्लीन चिट मिल गई है, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की जांच में डीआईजी आनंद देव तिवारी को क्लीन चिट मिली है। और आपको बता दें कि कानपुर के बिकरू कांड में इनका नाम आया था, जिसके बाद जांच बैठाई गई और अब इन्हें क्लीन चिट मिली है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सपा विधायक पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज। सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। विजिलेंस विभाग ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। रामेश्वर सिंह यादव अलीगंज एटा से सपा के 3 बार विधायक रहे हैं, जिन पर ये केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर मिल रही है, आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ है रामेश्वर सिंह यादव पर। अलीगंज एटा से सपा के 3 बार विधायक रह चुके हैं, जिन पर यह कार्रवाई हुई है, केस दर्ज किया गया है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, बलिया जिला अस्पताल के सीएमएस को पद से हटा दिया गया है। सीएमएस डॉक्टर दिवाकर सिंह को शासन ने पद से हटा दिया है। डॉक्टर दिवाकर सिंह को आजमगढ़ मंडल का संयुक्त निदेशक बनाया गया है। लखनऊ से डॉक्टर एके सिंह, डॉक्टर के एन तिवारी को बलिया भेजा गया है। मरीजों की मौत के मामले में जांच के लिए बलिया भेजा गया है, ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जहां आपको बता दें कि सीएमएस को पद से हटा दिया गया है बलिया जिला अस्पताल के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।